दोस्तों, आज के समय में वेबसाइट बनाना बहुत आम हो गया है और आप ब्लॉगर, वर्डप्रेस, विक्स जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 2 मिनट में वेबसाइट रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कोई सेल्फ होस्टेड वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट और सर्वर हैक कैसे होते हैं और वेबसाइट हैकिंग में मोस्टली किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। आज मैं ऐसे 5 टेक्निक्स एंड मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसको मोस्टली वेबसाइट हैकिंग, सर्वर हैकिंग और डाटाबेस हैकिंग में यूज किया जाता है। तो मेरा नाम सुब्रत उदास है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गबरू एजुकेशन। चलिए सबको एजुकेट करें। SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसको वेबसाइट हैकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हैकर्स SQL इंजेक्शन टेक्निक का उपयोग करके साइड एडमिन पैनल और उसके सर्वर पर अपना फुल कंट्रोल बना लेता है। इस टेक्निक में हैकर्स वेलनरेबल वेबसाइट को ढूंढते हैं और फिर साइट के डाटाबेस SQL डाटाबेस लाइब्रेरीज में अपना संबंध बना लेते हैं और आपकी साइट को आसानी से हैक कर लेते हैं। SQL इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस को हैक करने के लिए किया जाता है। SQL इंजेक्शन अटैक में इनपुट फील्ड्स या एड्रेस बार में वेबसाइट URL के लास्ट में मैलिशियस कोड को डाला जाता है। क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग शब्द का उपयोग पहली बार जेरेमिया ग्रेसमैन तथा रोवर हैंसन द्वारा पहली बार 2008 में किया गया था। क्लिक जैकिंग में HTML एलिमेंट्स को इनविजिबल किया जाता है और इनविजिबल HTML एलिमेंट्स में हैकर अपना मैलिशियस कोड डाल देता है और फिर जब यूज़र पेज पर क्लिक करता है तो वह हैकर्स के जाल में फंस जाता है। इस टेक्निक में यूजर्स को सिर्फ नॉर्मल पेज ही दिखाई देता है और वे इनविजिबल एलिमेंट्स को नहीं देख पाता है, लेकिन जब वह पेज पर किसी और एलिमेंट पर क्लिक करता है तो हैकर के बनाए हुए लिंक पर क्लिक हो जाता है। आमतौर पर हैकर आईफ्रेम्स का उपयोग करके उसमें अपने फेसबुक पेज प्लगइन्स का कोड डालता है और जब आप किसी और विजिबल एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप उसके फेसबुक पेज को अनजाने में ही लाइक कर देते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन है जिसके इस्तेमाल हैकर किसी भी साइट पर अटैक करने के लिए करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में वेबसाइट वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर हैकर उन वेबसाइट्स पर अटैक करता है जो यूजर्स से अनसैनिटाइज डाटा प्राप्त करती है, और ज़्यादातर हैकर्स इस तरह के अटैक्स डिस्कशन ग्रुप्स पर करते हैं क्योंकि यहाँ पर यूजर्स अपनी ओपिनियन किसी भी विषय पर रखते हैं। हैकर्स कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल देते हैं और जिसके अंदर वे अपनी मैलिशियस स्क्रिप्ट एम्बेड कर देते हैं। फिर जब फॉरम का यूज़र उसके लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। कुकीज़ पॉइजनिंग बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। गाइस, कुकीज़ डाटा का एक छोटा सा पैकेट होता है जिसको वेबसाइट द्वारा यूज़र के कंप्यूटर में सेव किया जाता है। नॉर्मली कुकीज़ में यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए, जब आप फेसबुक पर अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और रिमेंबर मी पर क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है क्योंकि वह आपके ब्राउज़र कुकीज़ में सेव हो जाता है। कुकीज़ पॉइजनिंग अटैक में कुकीज़ के कंटेंट से छेड़छाड़ की जाती है ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास किया जा सके। डेनियल ऑफ सर्विस DOS और DDoS अटैक का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को क्रैश या वेब सर्वर को डाउन करने के लिए किया जाता है। डेनियल ऑफ सर्विस एक इफ़ेक्टिव हैकिंग टेक्निक है जो हैकिंग ग्रुप्स द्वारा बड़े स्तर पर यूज़ की जाती है। आमतौर पर हैकर इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं जिसके वजह से सर्वर इतने लोड को हैंडल नहीं कर पाता है और सर्वर डाउन हो जाता है जिसके वजह से यूज़र्स उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस DOS में पिंग ऑफ डेथ, SYM फ्लूड, टियर ड्रॉप अटैक्स, P2P जैसे अटैक्स किए जाते हैं। उम्मीद है कि अब आपको सर्वर हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और अब आप जान गए होंगे सर्वर हैक कैसे होते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।